सुना है कि तूने फिर दो दोस्तों में आग लगा दी। अबे कहानी घर घर की खेलना छोड़ दे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी बेटा। कर्मा जिस दिन फैलेगा ना, अरे यार तो हाँ जा रहा था मैं, दिखाई नहीं दे रहा बात कर रहा हूँ। चाय 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 लगाया कान के पास ही, भाग साले यहाँ से। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? ये क्या बोल रहा है, हाथ पर घर की कहानी? अरे कहानी घर घर की से मेरा मतलब था यहाँ की वहाँ लगाना छोड़ दे, और सास भी कभी बहू थी से मेरा मतलब था कि कर्मा घूम के आता है, और जहाँ कर्मा तेरी सास बनकर लौटी ना, तो बेटा तू पुरुष जरूर है, लेकिन तू कब बहू बन जाएगा तेरे को पता नहीं चलेगा। चल रखता हूँ फोन। भैया ये कर्मा क्या होता है? पहले हम तुमको मारे वो क्या हो गया? गलती। गलती छोटी चीज है, वो हो गया कांड। और अब हम तुमसे प्यार से बात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या हो गया? मोहब्बत। अबे साले हम क्या तुमको लड़काबाज दिख रहे हैं? इसका मतलब कर्म। और हमने तुमसे क्या की? कांड। अरे कांड नहीं, अभी बोले थे ना तुम मोहब्बत। मोहब्बत माँ करती है, और हमने कर्म किया कह रहे हो। कर्म और माँ मिलाए तो क्या बनता है, है ना? पर बेटा कर्म में ममता नहीं होती, वो तुम्हारे पास जब भी आएगा ना तो पहले तोड़ेगा, फिर जोड़ेगा, फिर टुकड़ा टुकड़ा करके रेजा रेजा करेगा, फिर हवा चलाएगा, हवा से तुमको धूल की तरह उड़ाएगा, फिर तुम गायब गायब महसूस करोगे, फिर वो तुमको अकेला कर देगा, फिर तुम ऊपर वाले से पूछोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जवाब तो कुछ नहीं आएगा। फिर एक वक्त के बाद तुम्हें एहसास होगा कि साला ये सब तो जो मैंने पहले किया उसी का नतीजा है, और फिर तुम सीख जाओगे और कर्मा तुम्हें कुछ सिखा जाएगा। थैंक यू कर्मा भैया। कर्मा हम baby please let me take you to an island of the sweet cold breeze. You don't feel like drive, well baby.